आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मातुर छेलेरा घर छेड़े छे शहीद हबे बेश छाड़बे देखे शेष बारूद भरा स्वप्नों बुके स्वाधीन हबे देश रे स्वाधीन हबे देश। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1962 को हुई थी। वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व मास्टर दा सूर्य सेन ने किया था। बाद में वे चटगांव के जुगांदर पार्टी के सदस्य बने। बारूद भरा स्वप्नों बुके स्वाधीन होवे देश रे स्वाधीन होवे देश। अंबिका चक्रवर्ती ने 18 अप्रैल 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसने चटगांव क्षेत्र में पूरी संचार प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन भागने में सफल रहे। कुछ महीने बाद अंबिका चक्रवर्ती को ब्रिटिश पुलिस ने उनके छिपने के स्थान से हिरासत में लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा को आजीवन कैद में बदल दिया गया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। आजादी के बाद अंबिका चक्रवर्ती ने राजनीति में प्रवेश किया और 1962 में मृत्यु तक लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी मोटुरी सत्यनारायण को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1995 को हुई थी। एक उत्साही गांधीवादी मोटुरी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोटुरी 1948 से 50 तक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय संविधान की भाषा अनुभाग समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। मोटुरी दो बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। वो मद्रास विधान परिषद और भारत सरकार के शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। मोटुरी ने 1936 से 1961 तक दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में शामिल हुए और कुछ समय के बाद संगठन के सचिव और फिर प्रधान सचिव बने। वो हिंदी प्रचारक, हिंदी प्रचार समाचार और दक्षिण भारत के संपादक थे। उन्होंने मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सहित समूचे भारत में कई संस्थानों का गठन किया। वे मद्रास और हैदराबाद की तेलुगु भाषा समिति के संस्थापक सचिव भी रहे। मोटुरी को 1954 में पद्मश्री और 1962 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें 1977 में कला प्रपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम दिल्ली के शहीदों बाल मुकुंद तथा खुदा बख्श और हरियाणा के शिव गुलाम दुबे को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 6 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया गया था। हम धरती के इन महान सपूतों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।